हरियाणा बोर्ड शिक्षा विद्यालय का 10वीं का परीक्षा परिणाम इस बार 65.43% रहा। इन परिणामों में लड़कियों का परीक्षा परिणाम 69.81 तो लड़कों का परीक्षा परिणाम 61.41 पर प्रतिशत रहा। परीक्षा परिणामों की जानकारी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव ने दी। उन्होंने बताया कि 27 फरवरी से 25 मार्च तक इन परीक्षाओं का आयोजन किया गया था। इस परीक्षा में 2,46,425 विद्यार्थियों ने ये परीक्षा दी। बोर्ड चेयरमैन ने कहा कि परिणाम हरियाणा बोर्ड विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थी देख सकते हैं। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि इन परिणामों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर विद्यार्थी चेक कर सकते हैं। इस बार 10वीं परीक्षा में 2,46,425 विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, जिनमें से 1,47,401 विद्यार्थी पास हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा में राजकीय विद्यालयों की पास प्रतिशतता 57.73% तथा प्राइवेट विद्यालयों की पास प्रतिशतता 75.65% रही है। उन्होंने कहा इस परीक्षा में ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 67.35% रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों के विद्यार्थियों की पास प्रतिशतता 61.28% रही है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इस परीक्षा में संयुक्त रूप से कुल 14 छात्र छात्राओं ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थानों को प्राप्त किया है, जिनमें फतेहाबाद के भुन्ना के न्यू सनराइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्र हिमेश, सोनीपत के सिकंदरा माजरा के संत बाबा घोघर पब्लिक स्कूल से वर्षा तथा भिवानी के बुसान के एनजेएम हाई स्कूल के सोनू ने संयुक्त रूप से 458 अंक अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस मौके पर उन्होंने सभी विद्यार्थियों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। वहीं बोर्ड चेयरमैन ने परीक्षाओं में नकल रही संचालन के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरों व कंट्रोल व कमांडर सेंटर के माध्यम से नजर रखी गई थी। पूरे प्रदेश में 7 सेंटर विभिन्न जिलों में बनाए गए थे। उन्होंने कहा बोर्ड इतिहास में पहली बार परीक्षाओं में क्यूआर कोड का इस्तेमाल किया गया था, ताकि परीक्षाओं को नकल रहित संचालित करवाया जा सके। क्योंकि परिणाम लाइव हो चुके हैं, सभी विद्यार्थी बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं, और जो विद्यार्थी पुनर्जांच या पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहते हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 20 दिन के अंदर अंदर। मैं सभी जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनको अपनी ओर से, बोर्ड की ओर से शुभकामनाएं देता हूं, और जो विद्यार्थी उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं वो और मेहनत करके आगे कड़ी मेहनत से अपने परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर सकते हैं। उन्हें हताश या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पास या फेल ये जीवन की एक जर्नी, एक मोड है, एंड ऑफ द जर्नी नहीं है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर सच को हिंदी चैनल, और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।